आज हम देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, असमानता, लोकतंत्र और आर्थिक सिद्धांत के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ छावनी में हुआ था, जो कि अब मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। उनके पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार मेजर एवं रावणानंद मार्ग के अनुयायी थे। मालोजी सकपाल उनके पिता माह थे, जो कि महाराष्ट्र के कोकर क्षेत्र के रत्नागिरी जिले के अंबावड़ी गाँव के निवासी थे और सैनिक सेवा से एक हवलदार पद से मुक्त हुए थे। अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा सन 1900 ईस्वी में गवर्नमेंट हाई स्कूल सतारा में हुई। जब वह 5वीं कक्षा में थे तब उनका विवाह भीकू वालंगकर की पुत्री रमाबाई के साथ हुआ। बम्बई में उन्होंने एलिफिनस्टन रोड पर स्थित सरकारी हाई स्कूल में अपना प्रवेश करवा लिया, जो उस समय के बम्बई में सबसे अच्छा स्कूल था। बम्बई में अपने जीवन निर्माण काल में भीमराव ने पढ़ने की आदत का विकास किया। एक छात्र के रूप में वे संस्कृत पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन उनको संस्कृत पढ़ने की स्वीकृति इसलिए नहीं मिली क्योंकि वे अछूत थे। इसलिए उन्होंने संस्कृत के स्थान पर फारसी भाषा का चयन किया। बाद में उन्होंने स्वयं संस्कृत का अध्ययन किया। 14 अप्रैल 1907 ईस्वी को एलिफिनस्टन कॉलेज से उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। एक सभा में एस के बोले और कृष्णा जी अर्जुन केलोस्कर जैसे समाज सुधारक उपस्थित थे, जिन्होंने इनको महात्मा बुद्ध का जीवन नामक पुस्तक भेंट दी। परिवार की गरीबी के कारण इंटरमीडिएट पास करने के बाद वह आगे पढ़ने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन कृष्णा जी अर्जुन केलोस्कर के सहयोग से महाराजा बड़ौदा से 25 रुपये महीने की छात्रवृत्ति उच्च अध्ययन के लिए मिली। यह राशि उस सहायता के अतिरिक्त थी जो प्रोफेसर मूलर के द्वारा पुस्तकों एवं कपड़ों के लिए के रूप में दी जाती रही थी। इन्हीं सहायताओं के कारण वे अपना अध्ययन पूरा कर सके। सन 1912 ईस्वी में अंग्रेजी और फारसी लेकर उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अंबेडकर के जीवन में एक नया अवसर तब आया जबकि बड़ौदा के महाराजा ने राज्य के खर्चे पर संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों को भेजने का निश्चय किया। 4 जून 1913 ईस्वी को उन्होंने बड़ौदा राज्य के एक साथ एक अनुबंध किया और जुलाई 1913 ईस्वी के तीसरे सप्ताह में उन्होंने गायकवाड़ अध्येता के रूप में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहां उनको समानता के साथ साथ स्वतंत्रतापूर्वक घूमने फिरने सोचने और कार्य करने का अवसर मिला, क्योंकि अब उनके ऊपर अछूत का विशेषण नहीं लगा था। इस तरह उनके वो मानसिक विकास के लिए एक अच्छा अवसर मिला। उन्होंने असहायता के दर्शन के खिलाफ विद्रोह किया। तत्पश्चात उनके अंदर आत्मसम्मान एवं आत्म सहायता की भावना का विकास हुआ। यूएसए में उन्होंने राजनीति विज्ञान, नीतिशास्त्र, मानव शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि जैसे विषयों को अध्ययन के लिए चुना। प्रोफेसर एडविन ए सेलीगमैन जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उनके शिक्षक थे। सन 1915 में उन्होंने अपने शोध प्रबंध प्राचीन भारतीय वाणिज्य पर एमए की उपाधि प्राप्त हुई। प्रोफेसर गोल्डन विजर द्वारा 9 मई 1916 ईस्वी को आयोजित मानव शास्त्र की गोष्ठी में उन्होंने अपना शोध पत्र भारत में जातियां, उनके क्रियाकलाप एवं संरचना का विकास पढ़ा। उन्होंने जून 1916 ईस्वी में पीएचडी डिग्री के लिए नेशनल डिविडेंट ऑफ इंडिया नामक शोध प्रबंध लिखा, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इस पर उनकी पीएचडी डिग्री मिली। पुस्तक के रूप में 8 वर्ष के पश्चात मैसर्स पी एस किंग एंड सन्स लिमिटेड ने दी इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के नाम से इसे प्रकाशित किया। अमेरिका में अंबेडकर ने 2000 पुरानी किताबों को खरीदा और जून 1916 ईस्वी में अमेरिका छोड़ दिया। अमेरिका छोड़ने के बाद सन 1916 में ही अंबेडकर लंदन पहुंचे और वॉर एट लॉ की उपाधि के लिए ग्रेस इन में प्रवेश लिया और उसी समय उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए प्रवेश प्राप्त किया। लेकिन अध्येता छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त होने के कारण, जो कि उनको महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ की तरफ से मिला था, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अंबेडकर ने इस निर्णय पर महाराजा सयाजी राव से पुनः विचार करवाना चाहा, परंतु असफल रहे। उच्च अध्ययन की उनकी जिज्ञासा को देखते हुए प्रोफेसर ने उनको डीएसपी उपाधि के लिए तैयारी करने की अनुमति प्रदान की। प्रोफेसर एडविन केनन की विशेष संस्तुति के आधार पर उनको अक्टूबर 1916 ईस्वी के उपरांत 4 वर्ष तक लंदन विश्वविद्यालय में शोध प्रबंध जमा करने की अनुमति मिली।
इस प्रकार लंदन विश्वविद्यालय में अपनी उपाधि पूरा करने का निश्चय करके अंबेडकर भारत लौट आए। सितंबर 1917 ईस्वी में महाराजा बड़ौदा के सैनिक सचिव के रूप में उनको नियुक्ति मिली और यह सूचना भी संबंधित लोगों को दी गई कि रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत करें, लेकिन रेलवे स्टेशन पर उन्हें कोई नहीं मिला। जब बड़ौदा में किसी होटल हॉस्टल या लॉज में रहने की जगह नहीं मिली तब उन्होंने एक फारसी होटल में शरण ली। अछूत रूपी डब्बा उनका लगातार पीछा कर रहा था। उनके सहयोगी और चपरासी उनसे इस तरह का व्यवहार करते थे मानो वे कुष्ठ रोग से ग्रसित हों। कार्यालय में उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। यह सब कुछ उनके लिए असहाय था। फारसी होटल में जहाँ उनको उन्होंने शरण ली थी वहाँ उन्होंने पूर्ण परिचय कुछ पाया था, लेकिन एक दिन उनको यह होटल खाली करना पड़ा। उन्होंने महाराज के पास एक पत्र लिखा, पत्र भेजा, लेकिन जब बड़ौदा के दीवान ने इस संदर्भ में कुछ भी करने में असमर्थता प्रकट की तब उन्होंने अनुभव किया कि अपनी तमाम उपलब्धियों के बावजूद भी वे जातिवादी हिंदुओं के पूर्वाग्रहों को शांत नहीं कर सकेंगे। जब वे इस अनुभूति के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे तब उनकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। सवर्ण हिंदुओं के इस अमानवीय व्यवहार ने उनको बड़ौदा के महाराजा का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहा, लेकिन इससे उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। बड़ौदा के एक प्रोफेसर ने उनको अपने घर में पेइंग गेस्ट के रूप में आमंत्रण किया दिया, लेकिन बाद में उन अपनी पत्नी के विरोध के कारण अपना निमंत्रण वापस ले लिया। इस प्रकार सन 1917 ईस्वी में अंबेडकर भारत वापस आए। यहाँ उनकी स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित की। इस समय अंबेडकर गंभीर आर्थिक संकट में पड़ गए, इसलिए उन्होंने एक फारसी सज्जन के कार्यालय में ट्यूटर का कार्य शुरू किया। साथ ही साथ उन्होंने स्टॉक शेयर व्यवसाय में काम करने वाले लोगों को सलाह देने के लिए एक व्यवसाय फर्म बनाई, लेकिन इसको स्थायी रूप से बंद करना पड़ा क्योंकि ग्राहक एक अछूत से सलाह लेने के लिए तैयार नहीं थे। तब उन्होंने फारसी सज्जन के पत्र व्यवहार एवं लेखन कार्य को देखना शुरू किया। सन 1918 में अमेरिका को ज्ञात हुआ कि बम्बई में सिडनहैम कॉलेज में राजनीति अर्थशास्त्र विषय के प्रोफेसर का पद खाली है। बम्बई के पूर्व गवर्नर लॉर्ड सिडनहैम की सहायता से प्रोफेसर का यह पद उपरोक्त कॉलेज में उनको अस्थायी रूप से मिला और वे छात्रों में लोकप्रिय हुए। अनुमति से दूसरे कॉलेज के बहुत से छात्र उनकी कक्षाओं में उनके व्याख्यानों के लिए उपस्थित रहने लगे, लेकिन उनके प्रति सामाजिक व्यवहार अपरिवर्तित रहा। ऊंची जाति के प्रोफेसरों ने अपने निश्चित किए हुए पात्रों से उन्हें जल पीने से आपत्ति जताई। इस अपमान एवं विद्रोह व्यवहार से वे आहत हुए। वही सही समय का त्याग कर रहे थे। इस कॉलेज में उन्होंने अक्टूबर से दिसंबर 1918 ईस्वी तक कार्य किया। तत्पश्चात लंदन में अर्थशास्त्र और कानून की पढ़ाई के लिए इस पद से इस्तीफा दे दिया। सन 1919 में साउथ वेरो आयोग के समक्ष मताधिकार के मामले में उनको साक्ष्य के लिए बुलाया गया। इस कमीशन की संस्तुति की ही मंटफोर्ड सुधार का आधार बनी। 22 फरवरी 1919 को इस आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसी वर्ष बम्बई में अंबेडकर कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू महाराज के घनिष्ठ संपर्क में आए। महाराजा साहू जी ने जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया था और अछूतों की हर प्रकार से सेवा की थी, सहायता की थी। कोल्हापुर के महाराजा की सहायता से मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। यह पत्रिका डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को प्रतिध्वनित करती थी, लेकिन वे इसके अधिकृत संपादक नहीं थे। यह पत्रिका अधिक दिनों तक नहीं चल पाई। इन दिनों डॉक्टर अंबेडकर बहुत विचलित थे और वेतन का एक निश्चित भाग अपनी पत्नी को घर का खर्च चलाने के लिए भेजते थे। अंत में उन्होंने कुछ धन बचाया, कोल्हापुर के महाराजा से कुछ सहायता प्राप्त की एवं अपने मित्र नवल भदैना से कुछ क्षण लिया और आगे कानून एवं अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी करने के लिए जुलाई 1920 ईस्वी को लंदन चले गए। लंदन पहुंचने पर सितंबर 1920 ईस्वी में अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन शुरू किया है। साथ ही बैरिस्टरी की उपाधि के लिए ग्रेज इन में प्रवेश लिया। वे कई पुस्तकालयों के सदस्य बन गए, जैसे लंदन विश्वविद्यालय जनरल लाइब्रेरी, गोल्ड स्मिथ लाइब्रेरी, शहर के अन्य दूसरे पुस्तकालय। वे पुस्तकालय में दिन का भोजन खाए बिना पूरा दिन पढ़ते रहते थे क्योंकि उन दिनों उनके दोपहर के भोजन के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। उन्होंने भ्रमण थिएटर जलपान गृह बस इत्यादि की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फिर मित्र नवल भदैना से 2000 रुपये उधार लिया।
जून 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एमएससी उपाधि के लिए उनके शोध प्रबंध प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया को स्वीकृति मिली। अक्टूबर 1922 ईस्वी में उन्होंने अपना शोध पत्र रुपए की समस्या इसको उसकी उत्पत्ति और हल डीएससी अर्थशास्त्र की उपाधि के लिए प्रस्तुत किया। उसी समय उनको बार में भी बुलाया गया, लेकिन उस समय उनके पास बैरिस्टर एंड लॉ की उपाधि के लिए अध्ययन का समय नहीं था। अप्रैल और मई 1922 के मध्य उन्होंने जर्मनी के वोन विश्वविद्यालय में अपने प्रवेश की व्यवस्था की तथा जर्मन तथा फ्रेंच भाषा सीखना शुरू किया। मार्च 1923 ईस्वी में प्रोफेसर एडविन किनर ने उनको लंदन बुलाया। उनके शोध प्रबंध ने लंदन विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जगत में हलचल पैदा कर दी थी। इस शोध प्रबंध में उन्होंने भारत में ब्रिटिश योजना प्रणाली की आलोचना की थी। उन पर यह शक किया गया कि वे भारतीय क्रांतिकारी हैं। परीक्षकों ने बिना निष्कर्ष बदले पुनः शोध प्रबंध लिखने को कहा। अप्रैल 1923 में अंबेडकर बम्बई लौट गए क्योंकि उनके आर्थिक स्रोत समाप्त हो गए थे। अपनी बचत का उपयोग उन्होंने पुस्तकें खरीदने में किया। भारत में भी उनके परिवार को आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही थीं। फिर भी कुछ समय पश्चात शोध प्रबंध को उन्होंने पुनः लिखा और जमा किया। इस शोध प्रबंध पर उनको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली। अप्रैल 1923 में अंबेडकर को बार में बुलाया गया। जून 1923 ईस्वी में बम्बई के उच्च न्यायालय में उन्होंने वकालत प्रारंभ की। उस समय उनके पास सनद प्राप्त करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पुराने मित्र नवल भदैना ने पुनः उनकी सहायता की। उच्च न्यायालय में भी उन पर अछूत का टीका लगा था। उनके अधिकतर मुवक्किल बहुत गरीब परिवार से थे, जो कि उनकी सेवा के लिए बदले में बहुत कम धन दे सकते थे या दे ही नहीं सकते थे। अछूत होने के कारण वे किसी और सॉलिसिटर के साथ व्यवसायी नहीं बन सकते थे। अतः उन्होंने मर्केंटाइल लॉ के प्रवक्ता के रूप में 3 वर्ष तक बार्टली बॉय अकाउंटेंसी स्कूल में कार्य किया। बॉम्बे विश्वविद्यालय के परीक्षक के रूप में भी कार्य करते थे, जिससे उनकी कुछ आर्थिक सहायता मिल जाया करती थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि पत्नी को पड़ोसी से पैसे मांगना पड़ता था। अंबेडकर के लिए निश्चय ही यह असहनीय परिस्थितियाँ थीं। 9 मार्च 1924 को डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए अपना सामाजिक आंदोलन प्रारंभ किया। बम्बई में दामोदर हाल में दलितों की सभा की व्यवस्था की। उसमें वंचित एवं दलित वर्गों के लोगों की समस्या पर विचार किया गया। 20 जुलाई 1929 को प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में बहिष्कृत हितकरणी सभा के नाम से आपने एक संस्था बनाई। दलितों में शिक्षा में प्रसार, आर्थिक परिस्थितियों में सुधार, उनकी समस्याओं का प्रतिनिधित्व करना इस नई सभा के तत्कालिक उद्देश्य थे। 4 जनवरी 1925 ईस्वी में रत्नागिरी जिले के कुलाबा में दलितों के प्रथम अधिवेशन में अंबेडकर सम्मिलित हुए और अध्यक्षता की। सन 1926 में अंबेडकर एक बहुत बड़े न्यायिक विवाद में व्यस्त थे, जो कि उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। पुणे के कुछ ब्राह्मणों ने 3 गैर ब्राह्मण नेताओं के खिलाफ यह आरोप प्रस्तुत किया कि वे ब्राह्मण समुदाय पर यह आरोप लगाते हैं कि इन्होंने भारतवर्ष को नष्ट किया। इस केस में उन्होंने एक अच्छा बचाव किया और मुकदमा जीत गए। सन 1926 में रॉयल कमीशन ऑफ करेंसी फाइनेंस के सम्मुख साक्ष्य दिए। फरवरी 1927 को बम्बई विधान परिषद में मनोनीत हुए। अंबेडकर ने उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया जो कांग्रेस पार्टी द्वारा संचालित हो रही थी। आम जनता और वंचित वर्ग की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने स्वयं एक आंदोलन की शुरुआत की। वे दलितों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित करना चाहते थे। वे लोगों को जाति, लिंग, धर्म के आधार पर हो रहे शोषण एवं असमानता से मुक्ति दिलाना चाहते थे। यह उनके जीवन का उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने बहुत सी सभाओं, संस्थाओं का आयोजन किया और अपने विचारों को व्यक्त किया। सन 1927 में महाड़ में दलितों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें लगभग 10,000 दलितों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के बाद वे जुलूस के रूप में पानी पीने और लेने के अधिकारों को जताने के लिए चवदार तालाब तक गए। 19 मार्च 1927 ईस्वी को बम्बई हेरिडिटरी एक्ट 1874 में सुधार करना चाहते थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। 3 अप्रैल 1927 ईस्वी में उन्होंने मराठी में बहिष्कृत भारत नाम से एक पाक्षिक पत्र निकाला। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक उचित मंच की तलाश थी, क्योंकि उस समय के नेतृत्व को अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए समाचार पत्रों की अत्यंत आवश्यकता पड़ती थी। उन्होंने अपनी एक संपादकीय
में लिखा कि यदि श्री बाल गंगाधर तिलक दलित के रूप में पैदा हुए होते तो उनका नारा होता, अस्पृश्यता निर्वारण मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ना कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में अंबेडकर ने एक सत्याग्रह सम्मेलन आयोजित किया जो कि कोलावा जिले में था। जनसभा में मनुस्मृति जलाने का प्रस्ताव किया गया। उसी दिन मनुस्मृति को जला दिया गया। 28 मार्च 1928 को उन्होंने विगार के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया। जून 1928 ईस्वी में कार्यकारी प्रोफेसर के रूप में अपने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बम्बई में नियुक्ति स्वीकार की और लगभग एक वर्ष तक वहाँ कार्य किया। अंबेडकर ने दलित एवं वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष किया। वह इन वर्गों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे। उनका उद्देश्य इनका सांस्कृतिक विकास करना था। जून 1928 ईस्वी में बम्बई में इस वर्ग के छात्रों के लिए 2 छात्रावासों की स्थापना भी की करवाई। इसके एक महीने बाद उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी नाम का एक संगठन प्रारंभ किया। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1928 ईस्वी में बम्बई सरकार ने दलित वर्ग के छात्रों के लिए 5 छात्रावासों को खोलने की घोषणा की। उसी वर्ष अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के सदस्य के रूप में साइमन कमीशन के सामने साक्ष्य देने के लिए बुलाए गए। वहां उन्होंने दलित वर्ग के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की मांग की। अंबेडकर के साइमन कमीशन के सम्मुख उपस्थित होने के फलस्वरूप छात्रों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने उनके विरुद्ध प्रदर्शन भी किया। अगले ही वर्ष यानी मार्च 1929 में अंबेडकर ने समता सैनिक दल नामक एक संस्था बनाई। उन्होंने टिप्पणी की कि यह एक स्थापित समाज का प्रमुख सिद्धांत सामाजिक समानता समता होती है। अप्रैल 1929 में उन्होंने कपड़ा मिलों के श्रमिकों को संगठित किया और उनको अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए लड़ने का आह्वान किया। मार्च 1930 में नासिक जिले के कालाराम मंदिर में प्रवेश कर सत्याग्रह उनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। ऐसे भी साइमन कमीशन की सिफारिशों के फलस्वरूप 12 नवंबर 1930 को गोल में सम्मेलन तय हुआ। दलितों के प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर को आमंत्रित किया। 17 से 27 नवंबर 1930 ईस्वी तक उन्होंने गोलमेज के प्रथम सत्र में भाग लिया और दलितों की स्थिति पर विचार विमर्श किया। दिसंबर 1930 में ही उनके अपने विचारों के अभिव्यक्ति के लिए जनता नामक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। सितंबर 1931 ईस्वी से प्रारंभ हुए गोलमेज सम्मेलन के द्वितीय सत्र में भी उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। उनका चयन संघीय संरचना समिति और अल्पसंख्यक समिति के लिए किया गया। अल्पसंख्यक समिति के सम्मेलन में गांधी ने दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का विरोध किया और इस तरह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी निर्णय के समाप्त हुआ और अंबेडकर लंदन से भारत लौट आए। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल देने के साथ अपने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की। इसके कुछ दिनों के बाद 24 दिसंबर 1932 को यरवदा जेल में अंबेडकर और गांधी ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसको भारत के इतिहास में प्रसिद्ध पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 7 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। अंबेडकर ने इस सम्मेलन में भी भाग लिया लेकिन सम्मेलन असफल रहा। जून 1935 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल और प्रोफेसर ऑफ जूरिसप्रूडेंट के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इसी वर्ष 13 अक्टूबर को दलितों का प्रांतीय सम्मेलन नासिक जिले के येवला नामक स्थान पर हुआ। अपने अध्यक्षीय भाषण में अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में जन्म लिया लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। उनके हजारों अनुयायियों ने उनके इस निर्णय का समर्थन किया। दिसंबर 1935 में उन्होंने लाहौर के जातपात तोड़क मंडल संस्था की तरफ से वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षता करने का निमंत्रण मिला जो कि 1937 ईस्वी के ईस्टर की छुट्टियों में होना तय था। 1936 में उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी के महा सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें लेबर पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल बनाया। 17 फरवरी 1937 को बम्बई विधान परिषद के लिए उनका चुनाव हुआ। अगस्त 1937 में उन्होंने खोती बिल एवोल्यूशन ऑफ मल्हार वतन बिल पेश किया। सन 1938 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने दलितों का नाम हरिजन रखने का बिल पेश किया। अंबेडकर ने इस बिल की आलोचना की इस आधार पर कि केवल नाम बदलने से दलितों की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 7 अन्य दलितों के साथ
स्वेच्छा सलाहकार समिति के अध्यक्ष चुने गए। अप्रैल 1942 में लेबर पार्टी का रूपांतरण उन्होंने इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के रूप में किया। इस कार्यालय में उन्होंने केंद्रीय सरकार से दलितों की शिक्षा के लिए प्रावधान उपलब्ध कराया और दूसरी अन्य सेवाओं में भी अवसर प्रदान करवाए। राष्ट्रीय स्तर पर हो रही आलोचनाओं के बावजूद इस पद पर उन्होंने जुलाई 1946 तक कार्य किया। इस दौरान 1942 में उन्होंने औद्योगिक मजदूरों को वेतन के साथ छुट्टियों के संदर्भ में अपार्टमेंट अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि श्रम संहिता में एक स्थायी स्थान ग्रहण करेगा। 8 जुलाई 1945 को अंबेडकर ने पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और लगभग एक वर्ष पश्चात 20 जून 1940 को गरीबों एवं पिछड़ों को उच्च शिक्षा देने के लिए सिद्धार्थ नाम के कॉलेज का प्रारंभ किया। वर्तमान में संस्था बम्बई और औरंगाबाद की 11 कॉलेजों को संचालित कर रही है, जिनके साथ छात्रावास की सुविधा भी मिली हुई है। साथ ही साथ यह संस्था 3 हाई स्कूलों का संचालन कर रही है। इस संस्था का विधान इस प्रकार बनाया गया है कि यह गरीबों को उच्च शिक्षा दिलवाने में सहायता प्रदान कर सके। 10 जनवरी 1946 को ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल से अंबेडकर का साक्षात्कार हुआ। अंबेडकर ने घोषणा की कि यदि स्वराज के तात्पर्य अल्पसंख्यकों की सहमति से बहुसंख्यकों की सरकार है तो इस तरह के स्वराज का भी स्वागत करेंगे। इसके कुछ समय पश्चात 24 मार्च को ब्रिटिश कैबिनेट प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा। 5 अप्रैल को उनका ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के साथ साक्षात्कार हुआ। कैबिनेट मिशन के सम्मुख उन्होंने मांग की पेश की अनुसूचित जातियों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाए। जुलाई में उन्होंने वायसराय के कार्यपालिका परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया, परंतु इसी वर्ष सितंबर में अंबेडकर दलितों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए इंग्लैंड गए। वायसराय ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने विधानमंडल दल के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ नई सरकार स्थापित करने का निर्णय लिया है। फिर इसी वर्ष नवंबर में बंगाल विधानसभा के दलित प्रतिनिधियों की सहायता से भी संविधान सभा के लिए चुने गए। अगले महीने संविधान सभा की अपनी पहली घोषणा में उन्होंने संयुक्त भारत की बात कही। उनकी सक्रिय उपस्थिति एवं उनके निरंतर प्रयासों से 29 अप्रैल 1947 को संविधान सभा के तीसरे अधिवेशन में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पास किया गया और अस्पृश्यता को एक अपराध घोषित किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए बनाई गई संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 26 नवंबर 1949 को उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया संविधान स्वीकार किया गया। 1949 में उन्होंने काठमांडू नेपाल में विश्व बौद्ध सम्मेलन को संबोधित किया जो मार्क्सवाद बनाम बौद्धवाद पर आयोजित था। जुलाई 1951 में उन्होंने भारतीय बौद्ध संघ जनसंघ नामक संस्था बनाई। 1951 में उन्होंने बौद्ध उपासना पंथ नामक बौद्धों की एक प्रार्थना पुस्तक बनाई। जनवरी 1952 में प्रथम संसदीय चुनाव में अंबेडकर पराजित हुए और इससे उनको बड़ा दुखद आश्चर्य हुआ। बाद में उनका चयन बम्बई विधान परिषद में हुआ। साथ ही 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपने विशेष अधिवेशन में उनको LLD की उपाधि दी। 12 जनवरी 1952 में उस्मानिया विश्वविद्यालय ने उनको DLit की मानक डिग्री प्रदान की। 1954 में अंबेडकर रंगून में हो रहे विश्व बौद्ध सम्मेलन में सदस्य के रूप में मनोनीत हुए। मई 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा नामक संस्था बनाई। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ नागपुर में हुए ऐतिहासिक उत्सव से में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। नवंबर 1956 में काठमांडू नेपाल में हुए विश्व बौद्ध सम्मेलन में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, जहां उन्हें नवबुद्ध के रूप में मान्यता मिली। 6 सितंबर 1956 को अत्यंत प्रातःकाल अंबेडकर की मृत्यु हुई। उनके शव को नई दिल्ली ले जाया गया, जहां उनके पुत्र यशवंत राव द्वारा शवदाह किया गया था। उस चादर चौक पर टाटी नामक स्थान पर जहां उनका शवदाह किया गया था 1960 में चैत्य भूमि नाम से एक स्तूप खड़ा किया गया। अंबेडकर के लेख और भाषण राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ अंबेडकर। अंबेडकर जब कोलंबिया विश्वविद्यालय के छात्र थे तभी से उन्होंने लिखना और भाषण देना प्रारंभ कर दिया था। फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रशासन नामक लघु शोध 15 मई 1915 को विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा लिखे अन्य लेख भाषण इस प्रकार हैं। 1916 में अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर गोल्डन विजर द्वारा आयोजित मानव स्वास्थ्य की गोष्ठी में अपना शोध पत्र
भारत में जाती हैं उनके क्रियाकलाप संरचना का विकास पढ़ा। यह प्रबंध इंडियन एंटीक्वायरी जनरल में मई 1970 में यूएसए से प्रकाशित हुआ। इसी वर्ष जून में उन्होंने नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया नामक शोध प्रबंध लिखा तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स एसोसिएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन इंडिया नामक पत्र लिख पढ़ा। 1918 में बर्स्टन डरसल कृत प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन पुस्तक की समीक्षा जनरल ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी खंड एक में प्रकाशित हुई। 1920 में मराठी भाषा में मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। अगले वर्ष जून में एएससी उपाधि के लिए उन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया प्रस्तुत किया। 1922 में अपना शोध पत्र रुपए की समस्या उत्पत्ति और हल डीएससी की उपाधि के साथ प्रस्तुत किया। 1923 में पीएचडी शोध प्रबंध का नाम बदलकर मैसर्स पीएस किंग एंड सन्स लिमिटेड ने ब्रिटिश भारत में राज्य पूंजी का विकास नाम से पुस्तक के रूप में लंदन से प्रकाशित किया। 1927 में बम्बई से मराठी में बहिष्कृत भारत नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। मई 1928 ईस्वी में इंडियन स्टैचुरी कमीशन के समक्ष बहिष्कृत हितकारी समूह के प्रतिनिधि के रूप में एक स्टेटमेंट प्रस्तुत किया। मार्च 1919 में अम्बेडकर ने समता समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। 1930 में उन्होंने नागपुर में अखिल भारतीय डिप्रेस क्लासेस द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। उनका भाषण भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस बम्बई से प्रकाशित हुआ। 1935 में अम्बेडकर ने जात पात तोड़क मंडल लाहौर वार्षिक अधिवेशन में एनहेलेशन ऑफ कास्ट नामक लेख लिख पढ़ा। 1936 में उन्होंने आज़ाद मजदूर पार्टी का गठन किया। पार्टी की नीतियों और उद्देश्यों को एक पार्टी का पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया। वर्ष 1936 में पूना में संसदीय लोकतंत्र पर व्याख्यान दिए। 1937 जनवरी में गोखले मेमोरियल हॉल पूना में संपन्न द गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के वार्षिक उत्सव में संघ बनाम स्वतंत्रता पर व्याख्यान दिया। 1940 में बम्बई की ठक्कर एंड कंपनी ने अम्बेडकर द्वारा लिखित थॉट ऑन पाकिस्तान नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। 1943 में उनका व्हाट एल्स द वर्ल्ड टुडे नामक लेख द इंडियन रीडर डाइजेस्ट में छपा। इसी वर्ष उनकी लिखी गांधी एंड एमेनिसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स नामक पुस्तक बम्बई की ठक्कर एंड कंपनी से प्रकाशित हुई। गोखले मेमोरियल हॉल में पूना में हमादेव राणा डे ने 101वें जन्म दिवस समारोह में राणा डे गांधी जयंती पर भाषण दिया जो इसी नाम से ठक्कर एंड कंपनी ने प्रकाशित किया। वर्ष 1944 में अंबेडकर द्वारा लिखित शेड्यूल्ड कास्ट आस्क फॉर फ्यूचर सेफ गार्ड रेपरेट इलेक्ट्रेट एंड रिजर्वेशन इन पब्लिक सर्विस फेडरेशन कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट लेख द मेल नेप्स में प्रकाशित हुआ। और नेशनलिज्म इन इंडिया रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन नामक लेख सितंबर 25, 1944 को द लिबरेशन मद्रास से प्रकाशित हुआ। वर्ष 1945 में बम्बई की ठक्कर एंड कंपनी ने गांधी और अंबेडकर द्वारा लिखित कांग्रेसों ने अछूतों के लिए क्या किया नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। इसी वर्ष फरवरी में उनकी पुस्तक पाकिस्तान थॉट ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित हुआ। और मई में सांप्रदायिक गतिरोध और उसके समाधान के उपाय विषय पर बम्बई में आयोजित अखिल भारतीय अनुसूचित जाति प्रसंग के अधिवेशन में दिया गया भाषण दिल्ली के एफ एंड ओ प्रिंटिंग प्रेस प्रकाशित किया। वर्ष 1946 में अम्बेडकर ने कैबिनेट मिशन एंड द अनटचेबल्स नाम से एक पैम्फलेट का प्रकाशन किया। उसी वर्ष बम्बई की ठक्कर एंड कंपनी ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग नाम पुस्तक प्रकाशित की तथा शुद्ध कौन वे इंडो-आर्यन समाज के चौथे वर्ण में कैसे आए नामक ग्रंथ का प्रकाशन बम्बई की ठक्कर एंड कंपनी ने किया। अगले वर्ष यानी 1947 में अम्बेडकर ने राज्य और अल्पसंख्यक उनके अधिकार क्या हैं और उनके स्वतंत्र भारत के संविधान में कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है नामक स्मरण पत्र संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष पेश किया जिसमें उन्होंने राज्य समाजवाद की योजना की व्याख्या की। इसी वर्ष उनका संयुक्त बनाम पृथक निर्वाचन हिंदुओं का तर्क वितर्क
पृथक निर्वाचन के विरुद्ध अवास्तविक और समर्थित है। जय भीम मद्रास से प्रकाशित हुआ। 1948 में अम्बेडकर का महाराष्ट्र एक भाषाकार प्रांत वक्तव्य पर बम्बई की ठक्कर एंड कंपनी ने प्रकाशित किया, और इसी वर्ष में उनका अस्पृश्य नामक ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ।